जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री रुक्मणी बाई जी का जीवन चरित्र। पूज्य श्री बाई जी को दो संतों की सदा प्रतीक्षा बनी रहती थी। इन दोनों महापुरुषों के दर्शन कब होंगे, इसी मूक प्रतीक्षा में बाई के दिन श्री महिला संघ में व्यतीत हो रहे थे। समय पाकर ही बोया हुआ बीज अंकुरित और पल्लवित होता है। पल्लवित वृक्ष में पुष्प भी समय पाकर ही लगते हैं। पल्लवित पुष्पित वृक्ष का सुफलित होना भी समुचित समय की अपेक्षा रखता है। ऐसा अनुमान होता है कि बाई की सुललित लालसा के सुफलित होने का समुचित समय आ गया था। नित्य निकुंज धाम के विहारिणी विहारी श्री राधा कृष्ण की एक परम स्नेहस्पदा अनुचरी के अंतर में जग उठी तीन परम महाभाग संतों के दर्शन की उत्कंठा। वे महाभाग संत ऐसे थे जिनकी चर्चा श्री प्रिया प्रियतम परस्पर में कर रहे थे उन महाभाग संतों के दर्शन की यह सुललित लालसा ही हेतु बन गई उस स्नेहस्पदा के अवतरण की। वह परम अमल आत्मा स्नेहस्पदा अनुचरी ही संत दर्शन के लिए बाई के रूप में भूतल पर अवतरित हुई। जिन महाभाग संतों के महत कर्तत्व की चर्चा प्रिया प्रियतम श्री राधा कृष्ण अपने पारस्परिक संलाप में करें, उनका व्यक्तित्व क्या साधारण होगा। भगवदीयता के साकार विग्रह के महाभाग संत धराधाम पर ही थे। भगवदीय योजना के अनुसार दैवी भाव की प्रतिष्ठा करने के लिए अध्यात्म जगत में यह एक सर्वसम्मत तथ्य है कि जब जब धर्म की ग्लानी और असुर भाव का प्राबल्य होता है, तब तब साधु साधक सज्जनों को संरक्षण प्रदान करते हुए आस्तिकता सात्विकता की संस्थापना द्वारा धर्म का अभ्युत्थान करने के लिए भगवान स्वयं अवतरित होते हैं, अथवा उपयुक्त लक्ष्य सिद्धि के लिए अपने परम भागवत महज्जनों को भेजते हैं। इन्हीं परम भागवत महज्जनों की सुदीर्घ श्रृंखला में पूज्य श्री सेठ जी, पूज्य श्री भाई जी, पूज्य श्री राधा बाबा के अतिरिक्त पूज्य श्री गया प्रसाद जी, पूज्य श्री आनंद बाई जी, पूज्य श्री आनंदमयी माँ जी, ब्रह्म ऋषि देवराह बाबा, पूज्य श्री बालकृष्णदास जी महाराज, पूज्य स्वामी शरणानंद जी जैसे संतों के नाम भी परिगण्य हैं, जिनसे बाई का किसी न किसी रूप में विशेष संबंध रहा है। इन संतों के अथक और अखत प्रयास से वर्तमान कली कलुषित कराल युग में नास्तिकता पर आस्तिकता की विजय हो पाई। आरंभ में जिन तीन महाभाग संतों का उल्लेख किया गया है, वे हैं श्री सेठ जी, श्री भाई जी और श्री राधा बाबा। श्री सेठ जी ने श्रीमद् भगवद गीता के प्रचार के लिए अपना सारा जीवन लगा दिया। भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी श्रीमद् भगवद गीता का नगर नगर प्रचार करने के लिए, इसी के साथ साथ परम आनंद प्रदायक ज्ञान कर्म भक्ति योग का संदेश घर घर पहुँचाने के लिए और मानवोचित दैवी सद्गुणों से जन जन के जीवन को सुसंस्कारित बनाने के लिए श्री सेठ जी ने ऐसे अनेक महान कार्य किए जो ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और रहेंगे। इन अनेक महत्वपूर्ण कार्यों में सर्वाधिक उल्लेखनीय है गोरखपुर में गीता प्रेस की स्थापना। गीता प्रेस के द्वारा धर्म जागरण का ऐसा सुगठित और सुविस्मृत कार्य हुआ कि गोरखपुर नगर हिंदू मात्र के लिए वंदनीय और दर्शनीय बन गया। श्री सेठ जी ने गीता प्रेस के माध्यम से हिंदू धर्म के आर्ष ग्रंथों को, मुख्यतः गीता रामायण को, नाम मात्र के मूल्य पर सभी के लिए अति सुलभ बना दिया। इन्हीं के प्रयास से ऋषिकेश से लगभग 3 मील दूर भगवती गंगा के उस पार स्वर्ग आश्रम में गीता भवन का निर्माण हुआ, जो आध्यात्मिक सत्संग का एक महान प्रेरणा केंद्र बन गया। गीता भवन का ऐसा और इतना अधिक
विकास हुआ कि वह संत समागम की चाह रखने वालों के लिए एक तीर्थ बन गया और भारत के कोने कोने से साध्य तत्व और साधन पथ से संबंधित पिपासा और जिज्ञासा रखने वाले लोग संत सानिध्य की लालसा लिए हुए ग्रीष्म ऋतु में वहाँ आने लगे और अब भी आया करते हैं। श्री सेठ जी आत्मसंगोपन प्रिय थे। उनकी सुदृढ़ मान्यता थी कि नाम रूपात्मक मल मूत्र में इस पांच भौतिक शरीर का परिचय प्राप्त करने की दृष्टि से चर्चा करना कोई हितप्रद कार्य नहीं है। वे यही कहा करते थे कि यदि चर्चा हो तो एकमात्र भगवत तत्व की चर्चा हो। वे भले अपने जीवन को और अपनी गरिमा को छिपाएं, परंतु उनके ये महान धर्म कार्य उनकी उज्ज्वल कीर्ति के स्थायी स्तंभ हैं। आत्मसंगोपन प्रिय तो श्री भाई जी भी थे, परंतु परिस्थिति वशात कभी कभी उन्हें अपने बारे में कुछ बोलना भी पड़ता था। भागवती शक्ति और दैवी ज्योति से सुदीप्त उनका जीवन न जाने कितने कितने साधकों के लिए, संतों के लिए, यहाँ तक कि सिद्धों के लिए प्रेरक एवं पोषक रहा है। भक्ति प्रचार, हरि नाम संकीर्तन, मंदिर जीर्णोद्धार, राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि, तीर्थ यात्रा, आरती निवारण, साधु सेवा, गो संवर्धन, शास्त्र संरक्षण, पत्रिका संपादन, काव्य रचना, साहित्य प्रकाशन आदि आदि विशद कार्य उनके द्वारा विशेष रूप में हुए और इन्हीं विशिष्ट कार्यों को करने के लिए उनका आविर्भाव हुआ था। अपने आविर्भाव के संबंध में वे अपनी लेखनी से अपने वसीयत नामे में स्वयं जो लिख गए हैं वह इस प्रकार है। वास्तव में इस पांच भौतिक शरीर से अपने कर्म के अतिरिक्त मेरे द्वारा कुछ विशेष कार्य करवाने की योजना थी। उनकी कृपा एवं शक्ति से उनका काम बहुत अंश में पूरा हो गया। यद्यपि मैंने जितना चाहा था, जैसा चाहा था वैसा नहीं हो पाया। यूँ तो जितने लोग मेरे संपर्क में आए उनका कुछ न कुछ कल्याण तो अवश्य ही हुआ है और होगा। यद्यपि जगत के मंगल के लिए जो कुछ हुआ वह बहुत दूर दूर तक हुआ तथा उसका प्रभाव व्यापक और दीर्घकाल तक रहेगा। वह क्या है, कैसा है, यह न मैं पूरा जानता हूँ न जानने की इच्छा है। हाँ, इतना जानता हूँ कि वह प्रभु का कार्य है और महान है। इतना ही नहीं, 20 जून 1969 को एक आत्मीय जन के पास भेजे गए एक गोपनीय पत्र में उन्होंने लिखा, जिस कार्य के लिए पांच भौतिक शरीर के माध्यम से मुझे भेजा गया था उनका यह कार्य पूरा हो गया। जो कुछ मेरे द्वारा होना अभीष्ट था वह हो गया। उसका फल निश्चय ही बहुत श्रेयस्कर उनके इच्छा अनुसार हुआ है, पर वह क्या है, आगे क्या होगा, यह जानने की ना मुझे आवश्यकता है न इच्छा। अब श्री भाई जी द्वारा संपादित एवं संपन्न इस विशेष कार्य के संबंध में हम लोग अपने रजतम आच्छादित मन बुद्धि के द्वारा कितनी ही कल्पना करें, फिर भी हम लोग उस गरिमा की छाया को भी स्पर्श नहीं कर पाएंगे। इन्हीं श्री भाई जी के नित्य निरंतर साथ रहने वाले श्री राधा बाबा के संबंध में भी क्या बतलाया जाए। उनका परिचय बड़ा अद्भुत है। निखिल सौंदर्य माधुर्य मूर्ति प्रिया प्रियतम श्री राधा माधव के दिव्य भावोदधि में सदा निमग्न रहते हुए जो नित्य सिद्ध स्थिति के धरातल पर सदैव आरूढ़ रहे और आदि अंत रहित रस आनंद में सदा आप्लावित रहते हुए जो सदैव भगवत प्रेम को ही देखते रहे, सुनते रहे और कहते रहे, ऐसे महाभाव निमग्न श्री राधा बाबा के रसाद्र व्यक्तित्व को शब्दों की सीमा में सीमित कर लेना बड़ा कठिन है। उन जैसे परम प्रेमी रसिक संत भूतल पर कभी कभी ही आते हैं। श्री राधा बाबा के बारे में श्री भाई जी ने अपने प्रवचन में कहा था, महाभाव की जो अगले स्तर की चीज है, जिसकी रूपरेखा गोस्वामी प्रभृति रस मर्मज्ञों ने भी नहीं खींची, वैसी चीज बाबा में व्यक्त हुई है। इनका काष्ठ मौन असल में इनका रस समुद्र में निमज्जन है। परम पूज्य श्री आनंदमयी माँ जी के कथन अनुसार राधा बाबा प्रेम भक्ति और सत्य का प्रतीक, भक्ति मार्ग की जीवंत मूर्ति, एक स्थिति है जहाँ ब्रह्म सिवाय और कुछ भी नहीं है। द्वैत अद्वैत ज्ञान भक्ति सब एक ही है, वही है
जो स्थिति राधा बाबा की है। श्री योगी राज ब्रह्म ऋषि देवराहा बाबा ने कहा, श्री राधा बाबा मणि हैं, प्रकाश है, शोभा है। श्री राधा बाबा मेरी आत्मा है। श्री प्रिया प्रियतम के समीप जिन तीन महाभाग संतों कि सरस और सुंदर चर्चा को सुनकर स्नेहस्पदा अनुचरी के अंतर में उनके दर्शन की चाह का उद्भव हो गया था, वे थे ये पूज्य श्री सेठ जी, भाई जी और पूज्य राधा बाबा। ये तीनों महाभाग संत उस भगवदीय महत कार्य की दृष्टि से वर्ष में एक बार स्वर्गाश्रम में आया ही करते थे। श्री सेठ जी तो ग्रीष्म ऋतु में गीता भवन के सत्संग सत्र में लगातार 4 महीने रहा करते थे, परंतु श्री भाई जी श्री राधा बाबा को साथ लेकर 1-2 सप्ताह के लिए गोरखपुर से स्वर्गाश्रम आया करते थे। गीता भवन के सत्संग में नर्मदा बाई ग्रीष्म ऋतु में हर साल स्वर्गाश्रम जाया करती थी। वहां संतों के सत्संग से उन्हें बड़ा आध्यात्मिक लाभ हुआ करता था। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।